हाँ इसके बाद अभी फिनिश हो जाएगा। तो ये हमने तीन पार्ट कर लिए हैं। स्टैंडर्ड इन्वेंटोरी हमारा रहता था, क्या रहता था? स्टैंडर्ड इन्वेंटोरी। ये रिकॉर्डिंग शुरू होगी। स्टैंडर्ड इन्वेंटोरी, ये नॉर्मली स्टैंडर्ड इन्वेंटोरी तब होती है जैसे अभी आपने कहा था ना कि हमारा स्टॉक अभी 12 यूनिट्स पड़े हुए हैं और हमने FBA की लिस्टिंग को FBM में कन्वर्ट कर दिया, तो वो जो 12 यूनिट्स है वो क्या हो जाएंगे? स्टैंडर्ड क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन का मतलब होता है साइड पे कर देना, तो ये क्या हो जाएंगे? स्टैंडर्ड हो जाएंगे, साइड पे रख देगा हमारा। एक ये हो सकती कंडीशन। एक ये कि जब आप लोगों ने शिपमेंट प्लान क्रिएट किया तो बारकोड गलत लगाए, बारकोड क्या किए हैं? गलत लगाए, बारकोड लगाते थे ना ऊपर, आपने बारकोड गलत लगाया, स्टॉक अमेजोन के पास पहुंचा, ये पता चल गया किस सेलर का है लेकिन बारकोड नंबर गलत है, तो अमेजोन ने क्या किया? उसको उठा के स्ट्रॉन कर दिया, स्टैंडर्ड कर दिया, समझ आ गए। उसके बाद जब हम अमेजोन FBA का बिजनेस करते हैं तो कस्टमर रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट्स, कस्टमर रिटर्न कर सकता है ना प्रोडक्ट, उसको पसंद नहीं आई, हमारा 30 डेज का पीरियड है कि विद इन 30 डेज आप प्रोडक्ट्स को वापस कर सकते हैं। कस्टमर ने वापस की, वो कहाँ जाएगी? वापस अमेजोन के पास। मैंने बाय किया, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैंने रिटर्न क्रिएट की है, तो वापस किसके पास जाएगा? वो अमेजोन। अब अमेजोन क्या करेगा? अमेजोन उसको इंस्पेक्ट करेगा प्रोडक्ट को कि अगर तो उसको लगी बिल्कुल ठीक है, दोबारा बेचने के काबिल है, तो वो आपके स्टॉक में वापस रख दे। लेकिन अगर वो बेचने के काबिल ना हुई, कस्टमर ने उसकी तीति बीती कर दी हुई, वो वापस किसी और कस्टमर को हम नहीं बेच सकते, तो फिर अमेजोन क्या करेगा? अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जो विद पैकेजिंग आते हैं, उनकी बड़ी नाइस पैकेजिंग होती है, कस्टमर पहले पैकेजिंग फाड़ देता है, प्रोडक्ट निकालता है, उसको देखता है, यूज करता है और कहता है कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं आई है, ठीक है। अगर कस्टमर को पसंद ना आई तो जब अमेजोन को वापस जाएगी तो किसी और डब्बे में जाएगी, अब ओरिजिनल पैकिंग में तो नहीं जाएगी, अब क्या अमेजोन वो किसी और कस्टमर को भेज सकता है? नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर हम ये सेकंड हैंड है हम नहीं लेंगे। तो फिर अमेजोन कहता है, अमेजोन उसको अनफुलफिलेबल इन्वेंटोरी में डाल देता है। किसमें डाल देता है? अनफुलफिलेबल इन्वेंटोरी, कि आपकी ये इन्वेंटोरी फुलफिलेबल नहीं है। और वो कहाँ नजर आती है? आपने आके अपना इन्वेंटोरी का पेज ओपन करना है, ये ऑल इन्वेंटोरी, ठीक है। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंटोरी लिखा हुआ है ना, रिमूव अनफुलफिलेबल इन्वेंटोरी। ये कौन सी है? जो कस्टमर्स ने रिटर्न की है लेकिन वो आगे बेचने के काबिल नहीं, तो ये 6 हैं। क्या कह रहा है अमेजोन? इनको रिमूव करो। अब क्या करना पड़ेगा? या तो इनको हमें वापस मंगवाना पड़ेगा या हम अमेजोन से कहेंगे डिस्पोज ऑफ कर दें। अगर तो वापस मंगवा सकते हैं तो मंगवा लें, अगर नहीं तो हम क्या करेंगे? हम अमेजोन से कहेंगे इसको हाफ प्राइस पे सेल कर दें या इसको डिस्पोज ऑफ कर दें। अब जैसे मैं हूं ना, मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखता हूँ कौन कौन से हैं। ये देखिए ये हैं, एक एक यूनिट आया हुआ है सबका, तो यहां से मैंने क्या क्लिक कर देना है? क्रिएट रिमूवल ऑर्डर, तो इसको वापस मंगवा लें। अगर तो वैल्यूएबल आइटम्स हुई तो वापस मंगवा लेंगे, अगर वैल्यूएबल ना हो तो मंगवाने का फायदा नहीं। तो इनको हमने अमेजोन के वेयर हाउस से रिमूव करवाना है क्योंकि ये अनफुलफिलेबल है। अगर आप विद इन 7 डेज इनको रिमूव ना करवा सकें, अगर 7 डेज तक आप इसको रिमूव ना करवा सकें, भूल जाए, तो अमेजोन इसको स्ट्रैंडेड इन्वेंटोरी में डाल देगा। किसमें डाल देगा? स्टैंडर्ड इन्वेंटोरी। रिमूवल तो जब वो स्टैंडर्ड इन्वेंटोरी में डालेगा तो
वो हमारे आईपीआई को इम्पैक्ट करें। तो आपने इन्वेंटोरी को स्ट्रांडेड होने नहीं, आपने इनके फॉरन रिमूवल ऑर्डर क्रिएट करना, क्योंकि ये फुलफिलेबल नहीं। या आप अमेजोन से कह सकते हैं कि इनको हाफ प्राइस सेल कर दें, क्या कर दें, हाफ प्राइस पे सेल कर दें एज अ यूज्ड आइटम। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा जब हम प्राइसिंग करेंगे कि यूज्ड आइटम की लिस्टिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या हम इसको रिमूव करवा लेंगे। ये देखें ये कहाँ पे चली गई है, जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा लिक्विडेशन, इसमें आ रहा है लिक्विडेशन। का मतलब ये है कि जितने में मर्जी सेल कर दो और जो आए वो हमें दे दो। अब देखिए ना, हमारी एक तो मंगवाने का इशू है कि हमारे पास सर्विस नहीं है, सेकंड इतनी वैल्यूएबल आइटम्स नहीं है, तो मैंने क्या कहा, क्या कर दें उसको, लिक्विडेट कर दो, जितने का मर्जी बेच दें। अब अमेजोन अपनी मर्जी की प्राइस पे इसको बेच देगा, जो पैसे आएंगे वो हमें दो। तो इस तरह हम इसको लिक्विडेट करवा सकते, या रिटर्न टू एड्रेस, आप किसी एड्रेस पे वापस मंगवा लें। ये लास्ट ऑप्शन क्या है, हम डिस्पोज ऑफ तो नहीं करवाएं, हम कौन से दो एक्सरसाइज कर सकते हैं, या लिक्विडेट करवा लें या रिटर्न टू एड्रेस करवा लें। तो फिर हम इस तरह इनको यहां से करवा सकते। तो जब आपकी रिटर्न आती है तो आपकी इन्वेंटोरी स्ट्रांडेड हो जाती है, अगर आप टाइमली उसको वापस ना करवा सकते। तो आपने मेक श्योर करना है, ये भी डेली टास्क है, कि आपने डेली यहाँ पे आना है अपने इन्वेंटोरी के पेज में, और आके यहाँ पे टॉप पे देखना है कि कोई इन्वेंटोरी अनफुलफिलेबल तो नहीं है। अगर कोई अनफुलफिलेबल होगी तो फिर आप उसको फौरन चेक करके वापस मंगवाएंगे, लिक्विडेट करवाएंगे या डिस्पोज ऑफ करवाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड इन्वेंटोरी, अगर नहीं करेंगे तो कहाँ पे चली जाएगी, स्टैंडर्ड इन्वेंटोरी। और अगर आप बारकोड गलत लगाएंगे फिर भी कहाँ पे चली जाएगी, तो इसका मतलब मेक श्योर करना है कि आपके बारकोड्स राइट हों, कोई प्रॉब्लम वहां पे फेस करनी ना पड़े। तो अगर आप ये नो, इतना कम ही होता है, इतना ज्यादा नहीं होता स्टैंडर्ड इन्वेंटोरी। तो लेकिन ये हमारे चार पार्ट हैं जिनको हमने मेंटेन करना है अपने आईपीआई को सेट करने के लिए। समझ आ गई, इस अकाउंट का 2 हफ्ते पहले आईपीआई 387, तो ये विद इन 2 वीक कहाँ पे आ गया है, 411। इस पे पीपीसी इंक्रीज की थी थोड़ी सी, और कुछ रेमेडी इलेक्शंस की होती थी। तो इस तरह ये आपके जो हैं, ये किससे रिलेट करता है, एफपीए से, स्कोर कितना होना चाहिए, स्टोरेज कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी, डेली मॉनिटरिंग, इवेल्युएशन इंपैक्ट पीरियड 3 मंथ्स। ठीक है, 90 डेज के है ना मैडम, तो वैल्यूएशन इंपैक्ट पीरियड कितना है, 90 डेज, 3 मंथ। स्कोर विल बी रिकैलकुलेटेड आफ्टर 7 डेज। देखें, इस वक्त स्कोर कितना है, अगर मैं रेमेडियल एक्शन करता हूं तो मुझे इंप्रूवमेंट कितने दिनों बाद शो होगी, 7 डेज। तो आपने डिसार्ड नहीं होना कि मैंने इंप्रूवमेंट की है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। स्कोर आपको कब शो करवाएगा, 7 डेज। तो 7 डेज बाद आपके पॉइंट अप या डाउन हो जाएंगे। तो ये था हमारा आईपीआई, समझ आ गई इसकी, इन्वेंटोरी परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपने करना क्या है, आपने घर जाके आज से रिलैक्स कर लें, कल इसको दोबारा सारा लेक्चर दोबारा से सुने, फिर एक दिन छोड़ के फिर दोबारा से सुनो। जिस दिन आपने आना है यहाँ पे नेक्स्ट, उससे पहले आपने दोनों लेक्चर्स को रिव्यू करके आना। ठीक है, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। अब क्या ना मिल जाएंगे, मतलब ये वाला जो है आपको कल 12 बजे मिल जाएगा, फ्राइडे वाला भी मैं कहता हूँ कि वो दे दें, और जो फ्राइडे वाला है वो भी मिल जाएगा। आपने करना क्या है, बीच में भी आपने रिव्यू करना है, लेकिन जब थर्सडे को क्लास होगी तो ट्यूसडे और वेनसडे 2 दिन आप रिव्यू करके आएंगे, ताकि दोबारा से आपके माइंड में सारा कुछ आ गया हो, फिर वहां से हम आगे चलें। ठीक है, अच्छा देखिए, जब हम ये कर लेते हैं सारा कुछ, हाँ जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम।
मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट उसकी 8 पाउंड से ऊपर हो तो फिर ही रिमूव करवा, वरना लिक्विडेट करवा दें। समझ आ गई? क्या करवा दें? लिक्विडेट करवा। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का है? क्वेश्चन आईपीआई समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, अब देखें, हम आगे चलते हैं। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पीपीसी लगाते हैं, देखिए पहले हंटिंग हुई, फिर सोर्सिंग हो गई, सोर्सिंग के बाद हमने ब्रांड को अप्रूव करवा लिया, ब्रांड अप्रूव होने के बाद हमने लिस्टिंग लगाई, इधर FBM है या FBA है, लगा दी हमने लिस्टिंग। लिस्टिंग लगाने के बाद हमने उसका शिपमेंट प्लान क्रिएट किया, स्टॉक अमेजोन को भेज दिया, ठीक है, ऐसे फ्लो बन रहा है ना, स्टॉक अमेजोन के पास पहुंच गया, हमने शिपमेंट को मॉनिटर किया, शिपमेंट ओके है, अब हमारी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। जब लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी तो हम क्या लगाएंगे उसके ऊपर? पीपीसी कैंपेन। तो पीपीसी के मैनुअल भी है हमारे पास और ऑटो भी है, जो हमें अच्छी लगे वो हम कैंपेन उसके ऊपर लगाएंगे। जब कैंपेन लगेगी तो सेल परचेज, सेल शुरू हो जाएगी, सेल शुरू हो जाएगी, साथ ही हम आईपीआई को मॉनिटर करना शुरू कर देंगे। इसके साथ ही जब सेल शुरू होगी तो कस्टमर के फीडबैक्स भी आने शुरू होंगे, लोगों के पास जाएंगे ना आपके प्रोडक्ट्स, तो कस्टमर्स के रिव्यूज आने शुरू होंगे या नहीं होंगे? तो अब या वो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे, या क्लेम्स आने शुरू हो जाएंगे कस्टमर्स, इनको हमने मैनेज करना, इनको हमने क्या करना है? मैनेज। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस हैंडलिंग। क्या कहते हैं इसको? परफॉर्मेंस हैंडलिंग, कि जो हमारे अमेजोन अकाउंट की परफॉर्मेंस है उसको अब हमने हैंडल करना है, ठीक है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, व्हाट्स इट कॉल्ड, परफॉर्मेंस हैंडलिंग, क्योंकि ये वो वाला पार्ट है कि अगर आप इसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपकी शॉप बंद हो सकती, शॉप आपकी क्या हो जाएगी? बंद, ताले लगा देंगे आपकी शॉप को अमेजोन वाले, ठीक है, शॉप सस्पेंड हो जाएगी। ये देखिए अगला हमारा कौन सा पॉइंट आएगा? परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैंडलिंग। उसमें नंबर 1 क्या आ रहा है? नेगेटिव फीडबैक, कि अगर आपको नेगेटिव फीडबैक आ जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद है A to Z क्लेम, अगर आपको क्लेम आ जाए तो फिर क्या करें? बेसिकली हमने यहाँ पे पढ़ना ये है कि अगर हमें कोई कस्टमर नेगेटिव देगा तो हम उस नेगेटिव को कैसे सिस्टम से रिमूव करवाएं, या कोई कस्टमर हमारे ऊपर क्लेम करेगा तो उस क्लेम के साथ फाइट कैसे करेंगे। देखिए ये जो ये जो 3 डॉट्स है ना, ये मेन्यू बार है, यहाँ से हम जाते हैं परफॉर्मेंस में, नजर आ गए? अकाउंट हेल्थ, ये देखिए इस वक्त जो हमारा ऑर्डर डिफेक्ट रेट है वो कितने परसेंट है? कितने ऑर्डर्स गए हैं? 619। और ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या है हमारा? 0। ऑर्डर डिफेक्ट रेट के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? नेगेटिव फीडबैक आता है, A to Z क्लेम आता है, और चार्जबैक क्लेम। ये 3 चीजें हैं जो मिलके क्या बनाती हैं? ऑर्डर डिफेक्ट रेट। अमेजोन का जो थ्रेश होल्ड है वो है अंडर 1%। ये आपका डिफेक्ट रेट क्या होना चाहिए? अंडर 1%। अंडर 1% का मतलब क्या है? कि अगर आपके आपने 100 ऑर्डर्स बिल्कुल ठीक भेजे, सॉरी 99 ऑर्डर्स आपने बिल्कुल ठीक भेजे हैं, एक ऑर्डर पे अगर आपको नेगेटिव आ गया तो ये आपका कहाँ पे पहुंच जाएगा? 1%। इस पे कहाँ पे पहुंच जाएगा? यानी कि 99 ऑर्डर आपने बिल्कुल ठीक भेजे हैं, सिर्फ एक ऑर्डर पे आपको क्या आया है? नेगेटिव फीडबैक आया है, तो ये आपका अंडर 1% से ऊपर चला गया, 1% हो गया, तो अब अमेजोन आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकता।
तो समझ आ गई कितना टाइट क्राइटेरिया है। यही तो आपने सीखना है कि बचना कैसे है। अब देखें, मैं 99 ऑर्डर्स, 98 ऑर्डर्स आपके बिल्कुल ठीक है, दो ऑर्डर्स पे आपको नेगेटिव आ गए। हेलो हेलो, हाँ जनाब, 15 मिनट्स से मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट सारे डाउनलोड हो गए। ये हाँ, मैं ऑफिस में। ओके ओके, अच्छा 98 ऑर्डर्स मेरे बिल्कुल ठीक हैं, दो ऑर्डर्स में क्या आई है, कंप्लेन आई है या नेगेटिव आ गया है। अब मुझे बताएं हमारा जो डिफेक्ट रेट है वो कितने परसेंट हो जाएगा, बताओ। दो ऑर्डर्स हमारे नेगेटिव आ गए हैं, 98 बिल्कुल ठीक है, यानी कि टोटल ऑर्डर 100 है, और कितनों के ऊपर आया है नेगेटिव फीडबैक, दो पे, तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट कितने परसेंट होगा। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया। हाँ अब आप सीख लें कैसे, क्योंकि कुछ लोगों को आता होगा कुछ लोगों को नहीं आता होगा। जितने डिफेक्ट हैं उनको ऊपर रखना है आपने, ये देखें ये कैलकुलेटर है। कितने डिफेक्ट्स हैं, टू है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, टू डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2%। अगर होते ये 4 होते नेगेटिव तो क्या करना था, 4 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितने परसेंट हो गया। मैं कहता हूँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स 50 है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 50 है, और दो पे नेगेटिव आया है, तो क्या परसेंटेज होगी। वन नहीं, कैलकुलेट करना है। ये देखिए गौर से देखिए, कितने कितने हैं हमारे डिफेक्ट्स, टू। ऑर्डर्स कितने हैं, डिवाइड करना है ऑर्डर्स के ऊपर, ठीक है, ऊपर आएंगे नेगेटिव, नीचे आएंगे ऑर्डर्स, और मल्टीप्लाई किससे करना है उसको, 100 से, तो 4%। तो अगर आपका 4% हो गया तो कंफर्म ही सस्पेंशन है, अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, सस्पेंड, अकाउंट बंद कर दिया जाएगा आपका। तो ये फिर आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हैंडलिंग, क्योंकि ये वो पार्ट है जिसमें डायरेक्ट पूरा बिजनेस ही बंद हो जाता है। पार्ट हमने करना क्या है, हमने ये सीखना है कि अगर हमें नेगेटिव फीडबैक आ जाए तो हम क्या करेंगे, ए टू सी क्लेम आ जाए तो क्या करेंगे, चार्जबैक क्लेम आ जाए तो क्या करेंगे, ताकि हम इससे बच सकें। और ये भी क्या है, डेली मॉनिटरिंग क्या है, अगर आपने आपको आगे हुए हैं दो नेगेटिव्स, आपकी परसेंटेज 2% चली गई, आपने 2 दिन देखा ही नहीं इसको, तो हो सकता है कि काउंट पीछे से क्या हो जाए, सस्पा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, डेली मॉनिटरिंग। तो नेक्स्ट लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि हमने जो नेगेटिव फीडबैक्स हैं इनको कैसे डील करना है, ए टू सी क्लेम्स हैं इनको कैसे डील करना है। तो ये पूरा परफॉर्मेंस क्राइटेरिया हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, समझ आ गए। इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट हेल्थ, क्या कहा मैंने इसको, अकाउंट हेल्थ। ये मैंने एक हिंट दिया है जो एफिशिएंट स्टूडेंट्स हैं कि अगर आप लोगों के पास टाइम हो, आप ज्यादा मेहनती हैं, तो ये वाला लेक्चर लेके आए, परफॉर्मेंस हैंडलिंग जो हमने पहले किया है वो तो आपने करना ही है, लेकिन आप इसका लेक्चर यूट्यूब लिंक से लेके आए, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल डबल हो जाए। अब आप लोगों के ऊपर है, लेना है तो ले लें, नहीं लेना तो आपकी मर्जी, समझ आ गई। टॉपिक हमने कल को ये पढ़ना है, परफॉर्मेंस हैंडलिंग, समझ आ गई। तो मैंने अगेन आपको बताया कि जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हम एक दिन पहले टॉपिक स्टडी करके जाते थे जो अभी वहां पे लेक्चर होना होता, क्योंकि हमारा वो आपके वाला साहब नहीं था कि इधर उधर से असाइनमेंट्स की पास हो गए, हमारी प्रोफेशनल स्टडी। जब मैं सीए कर रहा था, सीए में तो पूरे पाकिस्तान में 10 से 15 लोग पास होते हैं, एग्जाम देते हैं जब,
जब मेरा पहला एग्जाम हुआ एफएससी के बाद, तो पूरे पाकिस्तान में से 47 क्लियर हुए, और हमारे कॉलेज में से 300 अपीयर हुए थे और 5 लोग क्लियर हुए। ठीक है, तो फिर हमारा बड़ा टफ सिचुएशन होती, तो फिर हम एडवांस चलते थे उनसे। तो बड़ा लग रहा, आपने चलना है तो आपकी मर्जी है।